ये हकीकत है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान लोगों का हुआ है, बजाय इसके कि वो आपके फायर डिपार्टमेंट के एहलकार जो कि इस मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हुए अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बजाय इसके आप उनकी तारीफ़ करें, बुग़्ज़े मुर्तज़ा में, बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में, बुग़्ज़े सिंध हुकूमत में आप उन बहादुर जवानों की, उन बहादुर एहलकारों की हौसला शिकनी कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। जैसे ही केएमसी को इंटीमेट हुआ, अगले 10 मिनटों में एम्प्रेस मार्केट फायर स्टेशन से, जो वहाँ पर दो फायर टेंडर मौजूद थे, वो आए और उन्होंने आग बुझाने का प्रोसेस की इब्तदा की। नेचुरली वो अपने साथ इजाफी पानी लेकर नहीं आएंगे, जितना फायर टेंडर में पानी होगा उतना ही पानी आएगा। जब मौके पर पहुंचे तो अंदाज़ा हुआ कि आग और बड़े लेवल की है, तो और जगहों से फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। वो तमाम फायर टेंडर्स आए, वहाँ मौजूद थे, उन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जो पानी की कमी थी वो कमी को पूरा करने के वाटर बाउजर्स वाटर बोर्ड के वहाँ पर खड़े किए गए। और इस तमाम काम की निगरानी जहाँ KMC कर रही थी, ज़रिए इंतज़ामिया कर रही थी, मैं खुद मौके पर मौजूद था। अभी कोई तहकीकात कंप्लीट नहीं हुई, कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जेम्स बॉन्ड ने आके कह दिया कि ये खदशा है कि आग लगाई गई। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले 48 घंटों में आप तनकीद तो मेरे ऊपर कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के ऊपर कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, PTI कर रही है या MQM कर रही है, तो आग लगाने का फ़ायदा किसको हुआ है? इसका फैसला भी जेम्स बॉन्ड अगर कर लेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा काम या KMC का काम या सिंध हुकूमत का काम इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स पास करना नहीं है। हमारा काम था ऑन ग्राउंड खड़े होके लोगों के मसाइल को हल करना। मुझे हलीम आदिल शेख उस दिन कोऑपरेटिव मार्केट में नज़र नहीं आए थे। हर जगह पहुँच जाते हैं वो, लेकिन वो वहाँ पर नज़र नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर वो आते तो शायद थोड़ा काम करना पड़ता। लियारी एक्सप्रेसवे का फैसला किसी अदालत ने नहीं किया, हुकूमत ने किया। लाइंस एरिया का किसी अदालत ने फैसला नहीं किया, हुकूमत ने किया। जब हुकूमत फैसला करती है तो फैसला करने से पहले पेशकदमी की जाती है, प्लानिंग की जाती है, तमाम एक एजेंडा चॉकआउट किया जाता है। जब अदालती फैसला आता है तो अदालती फैसले में लिख दिया जाता है कि एक महीने में ये चीज़ कर दें। अब आप मुझे बताएं कि एक महीने में आप कैसे कोई ऑल्टरनेट तलाश कर सकते हैं? नस्ला टावर का एग्जाम्पल ले लें आप। नस्ला टावर को आप ना एक महीने में गिरा सकते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिस चीज़ को आप एक महीने में गिरा नहीं सकते तो उसका मुतबादल आप एक महीने में कैसे दे सकते हैं? खुर्रम शेरजमान साहब की मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो जो MP हॉस्टल बन रहा है उसके अंदर हम सबको अपार्टमेंट दे दें। खुर्रम शेरजमान साहब, आपने कभी हुकूमत चलाई नहीं है। जब आप ये अपार्टमेंट किसी प्राइवेट बंदे को देंगे, कल को नायब आपसे सवाल पूछेगी आपने कैसे दे दिया। उनसे नहीं पूछेगी, हमसे पूछेगी ना। इमरान खान साहब को बोले कि स्टेट गेस्ट हाउस है ना यहाँ पे, वो दे दें उनको। रेडियो पाकिस्तान है ना, बंद पड़ा हुआ है, दे दें उनको, क्यों नहीं देते? ऐसी बहुत सारी और इनके पास अकोमोडेशन मौजूद। मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ गुज्जर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, औरंगी नाला हो, कोई 6,500-7,000 फैमिलीज डिसलोकेट हुई हैं। उन 6,500-7,000 फैमिलीज को 6 महीने में मुतबादल नहीं दिया जा सकता। MQM की मंतक तो आप MQM से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। PTI बुरी थी, लेकिन वज़ीर आज़म PTI का MQM सपोर्ट करती है। PTI कराची के लिए कुछ नहीं करी। कल भी मैंने मेयर साहब का, मेयर का एक स्टेटमेंट देखा अखबार में छपा, जहां उन्होंने वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात की PTI हुकूमत के, तो कराची के लिए वफाकी हुकूमत PTI की हुकूमत काम नहीं करी, लेकिन हाँ उस PTI की वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सवाल का बेहतर जवाब आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MQM पाकिस्तान के दोस्तों से मिल सकता है, बट मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि 2011-12 में जब वो हमारे इत्तेहादी थे तो 3 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था, तो उन्होंने हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और अपने गवर्नर को लंदन बुला लिया था, आपको याद होगा। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ पता चली हैं। मुझे पता नहीं था कि नेशनल स्टेडियम कराची
केएमसी की ज़मीन पर है, आ खान अस्पताल केएमसी की ज़मीन पर है, लियाकत नेशनल अस्पताल केएमसी की ज़मीन पर है, नेशनल बैंक का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केएमसी की ज़मीन पर है। तो ये तमाम लैंड रिकॉर्ड को कंपाइल भी किया जा रहा है, इसको डिजिटाइज भी किया जा रहा है, ताकि आने वाला जो मेयर हो उसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसके पास तमाम इंफॉर्मेशन डिजिटल अंदाज में अवेलेबल हो।